हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रीति अवस्थी। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए एक नायका हॉल लेके आई हूँ, जिसमें मैंने नायका से कुछ शॉपिंग की है, वो मैं आपको दिखाऊंगी। क्योंकि क्रिसमस सेल चल रहा था नायका पे, तो जब भी सेल चलता है तो मैं अपने कॉस्मेटिक जो भी मुझे चाहिए होता है वो मैं परचेस कर लेती हूँ, क्योंकि आपको बहुत ही अच्छे डिस्काउंटेड प्राइस पर मिल जाता है वो। तो वही मैं आपसे आज शेयर करूँगी कि मैंने क्या क्या प्रोडक्ट ऑर्डर किए हैं। तो नायका से मैंने 21 को, दिसंबर को मैंने ऑर्डर किया था और मुझे 24 को ये रिसीव हो गया है। तो ये कुछ इस तरह के बॉक्स में आया है पूरा जो प्रोडक्ट आया है, और नाइसली बबल रैप होके आया था ये प्रोडक्ट। मैं आपको इस बबल रैप में सारे प्रोडक्ट अच्छी तरह से बबल रैप होके आए थे और इस बॉक्स में आए, जो कि मैंने पहले ही बाहर निकाल लिया है ताकि ज़्यादा इजी रहे आप लोगों को शो करने में, अदरवाइज़ बहुत टाइम लगता है। तो चलिए देखते हैं कि मैंने क्या क्या ऑर्डर किया है। तो फर्स्ट प्रोडक्ट मैंने ऑर्डर किया है वो है ये एंटी डैंड्रफ हेयर क्रीम। तो अगर आपको डैंड्रफ की प्रॉब्लम है या फिर डैंड्रफ की वजह से आपकी जो स्कैल्प है वो बहुत ही इची लग रही है, ड्राई लग रही है, तो आप ये क्रीम ज़रूर ट्राई कीजिए, बहुत ही अच्छा है। और मैंने इसे ऑर्डर किया है नायका से इसलिए बिकॉज़ विंटर में हमारे स्कैल्प थोड़े ड्राई लगते हैं, तो मैं इसे यूज़ करती हूँ। जो सेकंड प्रोडक्ट है वो है हिमालय की तरफ से ही, सॉरी मैं इसका प्राइस बताना भूल गई, तो मैं आपको प्राइस बता देती हूँ। ये है कुछ 80 रुपीज़ का है और 70 रुपीज़ में मुझे ये मिला है डिस्काउंटेड प्राइस पे। तो आप देख सकते हैं इस तरह के जार में आता है ये, एंटी डैंड्रफ क्रीम है ये। आपको हेयर वॉश से पहले अप्लाई कर सकते हैं आप इसे। और ये है हिमालय का बॉडी बटर है ये, इस तरह के जार में आता है ये, बहुत ही काफ़ी बड़ा जार है। और इसकी प्राइस जो है वो कुछ 270 रुपीज़ है और मुझे 220 रुपीज़ में ये मिला है नायका से, देख सकते हैं आप। तो बॉडी बटर यूज़ करना विंटर में बहुत ही अच्छा है, क्योंकि बॉडी मॉइस्चराइज़र से ज़्यादा आपको बॉडी बटर मॉइस्चराइज रखता है आपकी बॉडी को। तो बॉडी बटर मुझे बहुत ही अच्छा लगता है यूज़ करना। और थर्ड प्रोडक्ट जो है वो है निव्या की तरफ से ये बॉडी मिल्क। तो निविया के प्रोडक्ट भी बहुत ही अच्छे होते हैं और मैं डीप मॉइस्चराइजिंग सीरम है ये इसमें, तो ड्राई स्किन वालों के लिए तो बेस्ट है ये। और ये भी मैंने ऑर्डर किया है नायका से, जो कि मुझे मिला है 195 रुपीज़ का है और 175 रुपीज़ में ये मुझे मिला है। और फोर्थ प्रोडक्ट जो है वो है बायोटिक की तरफ से हनी जेल है ये। हनी जेल फेस क्लिनज़र है, ऑल स्किन टाइप है, और ये मैंने अपने भाभी के लिए मंगाया है क्योंकि उनकी बहुत ही ज़्यादा ड्राई स्किन है, तो बेस्ट है ड्राई स्किन वालों के लिए ये। वैसे ऑल स्किन टाइप है पर ड्राई स्किन वाले इसे यूज़ करें तो और ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि इसमें हनी है तो बहुत ही अच्छी तरह से आपकी स्किन को मॉइस्चराइज रखेगा ये। और इसकी जो प्राइस है वो है 149 रुपीज़, और इसकी प्राइस मुझे याद नहीं है कि कितने में मुझे मिला है, आई थिंक 125 या ऐसे कुछ प्राइस में ही मिला है, एग्जैक्टली मुझे नहीं पता है, पर 149 रुपीज़ इसकी प्राइस है। और जो फिफ्थ प्रोडक्ट है वो है ये वादी का लिप बाम है, हर्बल लिप बाम है ये बादी का, और ऑरेंज लिप बाम है ये। तो इसकी जो प्राइस है सिर्फ 35 रुपीज़ है, और ये सबसे पहला लिप बाम है जो मैंने यूज़ किया था, सबसे पहले मैंने इसी लिप बाम को यूज़ किया था, तो बहुत ही अच्छा लगता है मुझे ये और अच्छा वर्क भी करता है आपके लिप्स पे। नेक्स्ट प्रोडक्ट जो है वो है ये टेंगल ट्वीज़र है, 120 रुपीज़ का है ये, 120 रुपीज़ में मुझे मिला है। बहुत अगर आपके हेयर टैंगल ज़्यादा होते हैं तो बहुत ही इजीली रिमूव भी कर देता है, और मेरे बाल बहुत ही टैंगल होते हैं जो कि शॉर्ट हैं और थिन हैं, फिर भी मेरे बाल बहुत ज़्यादा टैंगल होते हैं, तो ये मस्ट है मेरे लिए, तो मैंने इसे मंगाया है। और टैंगल ट्वीज़र बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव भी होते हैं, 1100-1300 अगर आप देखेंगे नायका पे, तो इतने ज़्यादा पैसे मैं इन्वेस्ट नहीं करना चाहती उसमें, इसलिए मैं इसे मंगा लेती हूँ। और फिर नेक्स्ट प्रोडक्ट मेरे पास जो है वो फिटमी का ये कंसीलर है, आप देख सकते हैं। तो ये है शेड नंबर 10 है और लाइट है ये, तो इसकी जो प्राइस है 475 रुपीज़ है और मुझे ये 430 रुपीज़ में मिली है, तो बहुत ही अच्छे प्राइस पे मुझे मिल गया ये। और कंसीलर है ये, यूज़ करने में भी बहुत अच्छा है, ये सेकेंड टाइम मैं इसे परचेज़ कर रही हूँ और मैं यही कंसीलर यूज़ ज़्यादा करती हूँ। फिर नेक्स्ट प्रोडक्ट है ये, वो है ये वेट एंड वाइल्ड की तरफ से आई शेडो पैलेट है, जो कि 500 रुपीज़ में मुझे मिला है, इसकी प्राइस 500 ही है, और तो बहुत ही खूबसूरत शेड है आप देख सकोगे,
बहुत ही अच्छे शेड्स हैं इसके, मुझे इस तरह के कलर्स बहुत ही पसंद आते हैं और इजी टू यूज़ है। मैंने इसे थोड़ा फिंगर्स पे लेके भी देखा और आप आईज़ पे बहुत ही अच्छी तरह इसे ब्लेंड कर सकते हैं, बहुत ही इजीली ब्लेंड हो जाता है ये। अगर आपको इसका रिव्यू चाहिए तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा, बहुत ही अच्छा है यूज़ करने में। और नेक्स्ट प्रोडक्ट है वो है मिसकलेयर की तरफ से, ये मैंने वाइट काजल मंगाया है जो कि पर्ल वाइट है, E14 नंबर है इसका और 65 रुपीज़ का है ये। और मेरी आईज़ बहुत ही छोटी है तो मैं लाइनर और काजल ज़्यादा प्रेफर नहीं करती हूँ लगाना, तो मैं जब भी मेकअप करती हूँ तो वाइट लाइन अपने लोअर लैश लाइन को कर लेती हूँ, तो जिससे कि आपकी आंखें थोड़ी बड़ी दिखती हैं। तो मैंने इसे भी परचेज़ किया है नायका से और बहुत ही बजट फ्रेंडली है, 65 रुपीज़ में ही मुझे मिल गया है। और फ्रेंड्स जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है वो है ये हेयर ब्रश, स्ट्रेट सेरेमिक स्ट्रेटनिंग ब्रश है ये और प्रीमियम सेरेमिक क्वालिटी है ऐसा बता रहे हैं ये। और ये 1000 रुपीज़ का है और ये मुझे मिला है 600 रुपीज़ में, तो मैं इसे ट्राई करना चाहती थी क्योंकि इजीली आप एवरीडे जब अपने हेयर को कॉम्ब करते हैं उसी तरह से आपको इसे यूज़ करना है। तो मैंने अभी यूज़ नहीं किया है बट मैं यूज़ करके अगर आप चाहेंगे तो मैं ज़रूर इसे रिव्यू करूँगी, और इस तरह का ये प्रोडक्ट है तो मैं आपको रिव्यू करके बताऊंगी कि ये कैसा दिखता है। मैं ओपन करके भी दिखा देती हूँ आपको, इस तरह का हेयर ब्रश है ये, इस केबल के साथ में आता है और देख सकते हैं आप। तो इजीली आप इससे अपने हेयर कॉम्ब करते हैं उसी तरह आपको यूज़ करना है, और मैं इसे यूज़ करके आपको इसका रिव्यू करूँगी अगर आप चाहते हैं तो। और यही सारे प्रोडक्ट हैं जो थोड़े बहुत मैंने नायका से परचेज़ किए हैं, अच्छे प्राइस पे मुझे मिल गए हैं। और अगर आपको इस बॉडी बटर या क्रीम का भी रिव्यू चाहिए तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मैं इसे यूज़ करके आपको रिव्यू ज़रूर करूँगी। और अगर आप चाहें तो नायका से जाके परचेज़ कर सकते हैं, ये सारे प्रोडक्ट बहुत ही अच्छे प्राइस पे मिला है। और यही था आज का मेरा नायका हॉल, तो आपको कैसा लगा? अगर मेरा वीडियो आपको ज़रा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे कि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आप लोगों को नोटिफिकेशन आ जाए। और आप ये बलून देख सकते हैं, तो 23 दिसंबर को मेरा बर्थडे था, तो मेरी भाभी ने ये जहाँ मैं यूट्यूब शूट करती हूँ उस रूम को पूरा अच्छी तरह डेकोरेट किया था, बहुत ही अच्छी तरह मुझे सरप्राइज़ किया था उन्होंने, तो इसलिए ये बलून अभी भी डेकोरेटेड है इस रूम में। और थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, ये था आज का वीडियो।